मेरे प्यारे मेरे मसीह प्यारे भाई मसीह बहनों, भाई आप बहनों, आप सबको प्रभु सबको यीशु प्रभु मसीह यीशु के मसीह मीठे के और मीठे पवित्र और नाम पवित्र में नाम प्यार में भरा प्यार जय भरा मसीह जय की। मसीह की। आज मैं आप आज मैं सबके आप बीच सबके में बीच में कुछ कुछ परमेश्वर के परमेश्वर वचनों के को वचनों लाया को हूँ, लाया हूँ, बाइबल के बाइबल वचनों के को लाया वचनों को हूँ, लाया हूँ जो जो आपको आपको कर्ज से कर्ज से बाहर आने बाहर में आने मदद में करेगा। मदद जी हाँ करेगा। मेरे जी हाँ प्रियो, मेरे बहुत प्रियो, से ऐसे बहुत से मसीही ऐसे भाई मसीही बहन भाई हैं बहन हैं जो जो कर्ज से कर्ज से परेशान हैं, परेशान हैं, कर्जा कर्जा भरने के लिए भरने के उनके लिए पास उनके पास सामर्थ्य नहीं है सामर्थ्य और नहीं है और हमेशा हमेशा हताशा और हताशा निराशा और का निराशा जीवन का जी रहे जीवन हैं। जी रहे हैं। उनको उनको मन ही मन मन ही है मन जे है जे बेचैनी बेचैनी और मन और ही मन मन ही है जे मन है वो जे सोच वो में सोच डूबे में जाते डूबे हैं कि जाते मैं हैं कि कैसे मैं है जे कैसे कर्ज है जे को भर कर्ज को सकूं। भर सकूं। तो मेरे तो प्रियो, मेरे प्रियो, आज आज परमेश्वर का परमेश्वर वचन का आपके वचन बीच आपके में बीच में मैं देने जा देने रहा जा हूं, रहा जो हूं, जो आप जब इन आप जब वचनों इन को वचनों को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और परमेश्वर से परमेश्वर से गुहार गुहार लगाएंगे, उनसे लगाएंगे, उनसे प्रार्थना प्रार्थना करेंगे, करेंगे, तब तब परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता आपको है जे आपको है जरूर जे कर्ज जरूर से कर्ज बाहर से बाहर निकालेंगे। निकालेंगे। और और मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, आप ये भी आप ये जान भी जान पाएंगे पाएंगे कि मेरे परमेश्वर परमेश्वर हमें क्या हमें क्या कर्जा में कर्जा में गिरने के गिरने लिए के लिए छोड़ देता छोड़ है या देता है कर्जा या से कर्जा मुक्त से करता मुक्त है। करता है। जब जब वचन को आप वचन को आप देखेंगे तो देखेंगे आपको तो आपको परमेश्वर परमेश्वर जरूर बातचीत जरूर बातचीत करेंगे। तो करेंगे। मेरे तो प्रियो, मेरे प्रियो, आप वीडियो आप में बने वीडियो में रहें बने और रहें अंत तक और अंत देखें तक देखें ताकि आज ताकि का आज जो का भी जो भी प्रभु प्रभु आपसे बातचीत आपसे करे बातचीत उस करे बातों उस के बातों द्वारा के आप द्वारा प्रभु आप प्रभु से आशीष से को आशीष पाएं। को पाएं। जैसा कि मेरे जैसा कि प्रियो, मेरे प्रियो कर्ज से कर्ज मुक्त से होने मुक्त के होने बारे के में बारे में बाइबल क्या बाइबल कहती क्या है सो कहती है आज सो हम आज सब हम सब देखेंगे। देखेंगे। तो मेरे प्रियो, तो मेरे सबसे प्रियो, पहले सबसे हम पहले हम देखेंगे कि देखेंगे लोग कि कर्ज लोग में कर्ज में किस वजह किस से वजह ज्यादा से पढ़ते ज्यादा हैं। पढ़ते हैं। तो दोस्तों, तो आज दोस्तों आज प्रायः सभी प्रायः देशों सभी में लोग देशों में लोग व्यक्तिगत व्यक्तिगत और और ऋण का ऋण का इस्तेमाल इस्तेमाल बड़े बड़े पैमाने पे पैमाने पे करते हैं। करते हैं। आज के आज समय के में समय एक में एक मोबाइल फोन मोबाइल को फोन को खरीदने के लिए खरीदने के भी लिए भी लोग कर्ज लोग कर्ज लेने लेने के के साधन साधन को को अपनाते अपनाते हैं। हैं। अपनाते हैं। कर्ज वह कर्ज पैसा वह है पैसा है जिसे एक जिसे एक व्यक्ति व्यक्ति दूसरे दूसरे व्यक्ति को व्यक्ति देने को के देने लिए के लिए बाध्य होता बाध्य है। होता है। कर्ज वह कर्ज है वह जो है किसी जो से किसी से मांगा या मांगा लिया या जाता लिया है। जाता है। सामान्यतः सामान्यतः यह ली यह गई ली गई संपत्ति संपत्ति को को व्यय करता व्यय है। करता है। कर्ज को कर्ज लोग को विभिन्न लोग तरह विभिन्न से तरह लोग से लेते लोग हैं, लेते जैसा हैं कि जैसा कि क्रेडिट कार्ड क्रेडिट से, कार्ड से बैंक का बैंक कर्ज, का कर्ज, परिवार या परिवार मित्रों या से मित्रों से कर्ज, कर्ज, संपत्ति या संपत्ति किसी या चीजों किसी को चीजों गिरवी को के गिरवी रख के करके रख कर्ज करके कर्ज लोग लेते लोग हैं। लेते हैं। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, सभी लोग सभी कर्ज लोग को कर्ज को लेते हैं। लेते हैं। तो मेरे तो प्रियो, मेरे आज प्रियो, हम आज हम देखेंगे कि क्या देखेंगे कि क्या बाइबल कर्ज बाइबल को कर्ज लेने को का लेने इजाजत का देती इजाजत है देती या है कर्ज या लेने को कर्ज मना लेने को करती मना है। करती है। तो हम सब हम सब वचन से वचन से देखेंगे देखेंगे और वचन से और वचन से सीखेंगे। तो सीखेंगे। मेरे तो प्रियो, मेरे प्रियो, बाइबल यह नहीं यह कहती नहीं कि कहती कि कर्ज लेना कर्ज पाप लेना है, पाप है, लेकिन बाइबल लेकिन कर्ज बाइबल को कर्ज बढ़ावा को भी बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल देती नहीं है। देती है। जैसा कि जैसा कि रोमियो रोमियो 13:8 आयत में आयत कहता में है कहता है कि कि आपस के आपस के प्रेम से प्रेम छोड़ से और छोड़ किसी और किसी बात में बात किसी में के किसी के कर्जदार ना कर्जदार हो, ना हो, क्योंकि जो क्योंकि जो दूसरों से दूसरों प्रेम से रखता प्रेम है रखता है उसी ने उसी ने व्यवस्था व्यवस्था पूरी की पूरी है। की है। सो सो प्रियो, प्रियो, प्रेम करना प्रेम करना परमेश्वर की परमेश्वर की व्यवस्था को व्यवस्था को पूरी करना पूरी है। करना है। इसलिए हमें इसलिए प्रेम हमें को प्रेम को छोड़कर छोड़कर किसी दूसरी किसी बात दूसरी के बात के कर्जदार होने कर्जदार को होने को मना किया मना गया किया है। गया है। जैसा कि जैसा नीति कि वचन नीति 22 के वचन बाईस सात के पद में सात पद कहता में है कहता है कि कि धनी धनी निर्धन लोगों निर्धन पर लोगों पर प्रभुता प्रभुता करता है करता और है उधार और लेने उधार वाला लेने उधार वाला उधार देने देने वाले का वाले दास का होता दास है। होता है। सो मेरे सो प्रियो, मेरे वचन प्रियो वचन बताती है बताती कि है कर्जा कि कर्जा हमें हमें गुलामी की ओर गुलामी ले की ओर जाता ले है, जाता है क्योंकि वचन क्योंकि वचन कहती है कि कहती है कि उधार लेने उधार वाला लेने वाला उधार देने उधार वाले देने का वाले दास का होता दास है। होता है। तो मेरे तो प्रियो, मेरे प्रियो कौन से कौन ऐसे से काम ऐसे करें काम कि करें हम कि हम उधार उधार लेने वाला लेने नहीं वाला नहीं बल्कि बल्कि उधार देने उधार वाला देने बन वाला बन सके। सके। तो तो आगे आगे को को हम हम परमेश्वर के परमेश्वर वचन के में वचन देखेंगे में कि देखेंगे वचन कि क्या वचन बताती क्या है। बताती है। व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण 28 के 28 एक और के दो एक आयत और दो में आयत कहता में है, कहता है यदि तू यदि अपने तू अपने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की यहोवा सब की सब आज्ञाएं जो मैं आज्ञाएं जो आज मैं तुझे आज तुझे सुनाता हूँ सुनाता हूँ चौकसी से चौकसी पूरी से करने पूरी का करने चित का चित लगाकर लगाकर उसकी उसकी सुने सुने तो तो वह वह तुझे तुझे पृथ्वी की पृथ्वी सब की सब जातियों में जातियों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ करेगा। करेगा। फिर फिर अपने अपने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की यहोवा की सुनने के सुनने के कारण कारण ये ये सब सब आशीर्वाद तुझ आशीर्वाद पर तुझ पूरे पर होंगे। पूरे होंगे। जैसा कि जैसा कि मेरे प्रियो, जब आप जब आप परमेश्वर परमेश्वर की की आज्ञाकारिता आज्ञाकारिता में में चलते चलते हैं हैं तो तो वो वो कहता कहता है है कि कि मैं मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए लिए आकाश आकाश रूपी रूपी उत्तम उत्तम भंडार भंडार को को खोलकर खोलकर तुम्हारे तुम्हारे लिए लिए अपरंपार अपरंपार आशीष आशीष को को दूंगा दूंगा और और तू तू फिर फिर किसी किसी से से उधार उधार न न लेगा लेगा बल्कि बल्कि तू तू दूसरों दूसरों को को उधार उधार देगा। देगा। जैसा कि हम जैसा कि वचन हम को वचन को देखते हैं, देखते
व्यवस्था विवरण 28 के 12 आयत में कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से उधार लेना न पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है परमेश्वर ने कहा है कि जब उनकी हम आज्ञा को मानेंगे, जब उनकी हम शिक्षा में चलेंगे, उनके वचन को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो परमेश्वर ने कहा है कि वो अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलने के लिए कहा है मेरे प्रियो। और अगर आप खेती करते हैं तो आपको समय पे वो मेह से बरसाने के लिए वर्षा कहा है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ने कहा है कि तू जो भी काम करता है उस पर मैं तेरी आशीष को दूंगा, बल्कि तू मेरी आज्ञाकारिता में चलो, मेरी आज्ञा को मानो, मेरी शिक्षाओं में चलो। और जब उनकी शिक्षा में चलते हैं तो परमेश्वर ने कहा है कि तू बहुत सी जातियों को जो उधार देगा परंतु तुम्हें किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत से श्राप है जे आते हैं, जैसा कि उनकी आज्ञा को न मानने का परिणाम है जे हम व्यवस्था विवरण 28 के 15 आयत में पाते हैं। कहता है और परमेश्वर की आज्ञा न मानने का परिणाम भी बता दिया गया था कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। और आज्ञा न मानने का परिणाम स्वरूप किसी से उधार लेना पड़ेगा, यानी कर्ज लेने वाला बनेगा। तो मेरे प्रियो, आज आप अगर कर्ज से डूबे हुए हैं, अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं, तो आप परमेश्वर को वचन को आप पढ़ें, प्रार्थना करें और उनसे कहें, पिता हमें आप शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए कि मैं आपकी आज्ञाकारिता में चलूं, आपके वचन में चलूं, ताकि हम अन्य जातियों को उधार देने वाला बल्कि उधार लेने वाला न बनूं। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है उस वचन से आप क्या सीखें, आप कमेंट में आप लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे का जो भी हम नोटिफिकेशन भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आज के आप प्रभु के वचन से आशीष को पाए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।